गाइस, गुड आफ्टरनून। आप सब लोग कैसे हो? हम सब लोग बहुत अच्छे हैं। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया, आज लाइट बंद हो गया, लाइट बंद हो गया, बनाना ही स्टार्ट किया, जैसे ही लाइट बंद हो गया। नई जगह पर खेल रहा है आज हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आप सब लोग कैसे हो? हम सब लोग बहुत अच्छे हैं। आज मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया, नई सोकर उठ गया और वहाँ पर खाने के लिए चला गया। और मैं आज धान चावल पकाने के लिए धान आंगन में सुखाई हूँ, उसको एक बार देख लेती हूँ, खो देती हूँ। और उससे बाहर जब उसको सुखाने के बाद उसको रखी, उसको अभी सूख रहा है, तब रही हूँ, सूख रहा है धान। क्योंकि चावल कम है, इसलिए जब धान को सुखा देंगे सूख जाएगा, तब उसको मम्मी लेने जाकर मम्मी का पापा का जो भी रहेगा संडे को, तब वो उसको खिलाएगा, खिलाएंगे। नवीन का पापा कल मार्केट से कुछ हमारे लिए केक लाया है। ये है, आप लोग देख सकते हो, पहचान सकते हो कि पन्नी में क्या क्या है। ये नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये है सांता, नवीन और मेरे लिए सांता केक लाए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, क्या क्यूट है, देख सकते हो आप लोग, ये खरीद कर लाए हैं। उसके बाद और है, और शेर लाए थे, 2 किलो लाए हैं सेब को, ताकि हम लोग सुबह सुबह खाते हैं सेब। और अनार है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये अनार है, अनार भी 1 किलो लाए थे। इसको नवीन रोज खाता है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि नवीन वहाँ उधर से आ रहा है दौड़ते हुए, यहाँ पर आ गया। ये हमारा धान का जो खरजी है वो अभी नहीं मिसाया है, और कुछ को मिसवाया है, उसको मैं यहाँ पर धान को सुखाई हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि धान जो है उसको मैं सुखा कर रखी हुई हूँ यहाँ पर। इसको चावल के लिए हम लोग कुटवाएंगे उसको, इतना सारा है यहाँ पर धूप में सुखाई हूँ, क्योंकि ये जब कटता है तो थोड़ा गीला रहता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सुखा देते हैं ताकि ये सूख जाए तो चावल टूटे ना, इसलिए हम इसको सुखाए हैं। आप लोग देख सकते हो कि धान इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हेलो गाइस, अभी शाम का बज रहा है 6 और हम खाना बनाने के लिए पूरा तैयारी वहाँ पर कर चुकी हूँ, खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। उसके बाद पहले हम ये मार्केट से भाजी, कुछ भाजी, ये भाजी लेकर आया है, इसको बोलते हैं सरसों भाजी, इसको मैं साफ़ सफाई कर लूँगी। उसके बाद फिर इस भाजी को मैं आज बनाऊँगी सब्जी। ये एकदम बहुत हरा हरा ताज़ा भाजी है, ये एकदम ताज़ा है, तुरंत का है, तोड़कर इसको खरीद बेचे हैं, उसको नवीन का पापा खरीद कर मार्केट से लाया हुआ है। और यहाँ पर मैं स्वेटर पहन चुकी हूँ, क्योंकि शाम का समय हो गया है तो ठंड लगने लगा है, हमारे यहाँ धीरे धीरे ठंड बढ़ रहा है, इसलिए अब हम स्वेटर पहनने लगे हैं। जब शाम होता है तो ठंड लगने लगता है तो हम स्वेटर पहन लेते हैं। और ये एक और है, ये है पालक भाजी है, इसको सलाद में खाते हैं। ये पालक भाजी को सब्जी नहीं बनाऊंगी, इसको सिर्फ सलाद में खाएगा। इसको मैं साफ सफाई करके काट के धोकर रखूंगी। फिर गाजर, टमाटर और ये पालक भाजी सलाद में खाते हैं, नवीन का पापा खाते हैं। और इतना सारा है ये भाजी, इसको मैं यहाँ पर साफ सफाई करके सूप में रख रही हूँ, इसको बस काटूंगी, उसके बाद धोकर